हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। ए मुखिया बीपी ना यादो, अरे अब का होई रौरा सरकार के। हाँ बस 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 हो गया दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। जो हमारे मुखिया जी का एक वीडियो आया था, विपिन यादव मुखिया जी का, कि चाचा देंगे चकमा, खत्म हो गया मोदी सरकार, मोदी लहर, फलान ठिकान धिमकान। खैर छोड़िए, मुखिया जी आपका काम था, जितना आपको करना था आपने कर दिया, जितना आपको मोदी का विरोध करना था आपने कर लिया। चलिए दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। क्या खुशखबरी आ चुकी है पता है राम? बताइए ना। ए मुखिया बीपी ना यादो, हरे अब का होई रौरा सरकार के। हो कौन सरकार के? इंडी गठबंधन जी, कांग्रेस सरकार। हाँ। राजद जी, सपा जी, पूरा साफा जी आए, शायरी बोल रहा है। चलिए दोस्तों, मजाक से हटके आते हैं तनका सीरियस मुद्दा में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। कब? 9 जून को, यानी कि रविवार को। फाइनली नीतीश कुमार जी ने अपना समर्थन दे दिया है। लोग कह रहे थे, मीडिया में हल्ला था, कुछ जो है चमचे बेलचे थे वो हल्ला कर रहे थे कि नीतीश जी जो है वो पलटने वाले हैं, नीतीश जी जो है एनडीए का साथ नहीं देंगे, इंडी गठबंधन का साथ देंगे। लेकिन दोस्तों, अब फाइनली जो है ये एनडीए की बड़ी बैठक आज दिल्ली में हुई और फाइनली जो है टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू जी ने, जिनके पास 16 सांसद है, और जो हमारे जेडीयू के नीतीश कुमार चचा जी हैं, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं जिनके पास 12 सांसद है, सभी ने एनडीए को सपोर्ट दे दिया है, प्रधानमंत्री जी को सपोर्ट दे दिया है, बीजेपी को सपोर्ट दे दिया है और फाइनली जो है सरकार एनडीए की बनने जा रही है। अब जो है फिर से एक बार, तीसरी बार मोदी सरकार। चलिए हम आपको सुनाते हैं नीतीश कुमार जी ने क्या कुछ कहा है, यहाँ तक कि नीतीश कुमार जी जो है मोदी जी के पैर छूने लगे थे राम। बिल्कुल बिल्कुल, देखे तो चलिए वीडियो क्लिप आप लोगों को दिखाते हैं, फिर उसका बहुत अच्छा बात बताएंगे। पहले वीडियो क्लिप यहाँ से देख लीजिए। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है, 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके, बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की, लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है। तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो गया। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा, अब बिहार वहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे, सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर
हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। और बहुत अच्छा होगा, आप जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है, और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं, हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी, यही हम लोगों को कहना है। और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी और पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा फायदा है। इधर उधर कोई करना चाहता उसको कोई लाभ नहीं है, तो इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे इन्हीं सपनों के साथ। और आप सब लोग इतना खुशी हैं, सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एनडीए के, चलिए दोस्तों राम कुमार चले गए हैं अपने अयोध्या, मतलब जो मेरे साथ राम थे वो अयोध्या वालों ने जो धोखा दिया है मोदी जी को कभी माफ नहीं करेंगे ऊपर वाले राम। खैर छोड़िए, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। दोस्तों आप लोगों ने सुन लिया कि नीतीश कुमार जी ने क्या कहा। पूरे नीतीश कुमार जी के साथ जितने भी दल हैं सभी दलों ने एनडीए को सपोर्ट दे दिया है और एक बार हम राम चाहेंगे कि राम आ जाओ अयोध्या से वापस, राम आ जाइए अयोध्या से वापस और एक बार फिर से एनडीए सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आंख बंद करके तीसरी बार फिर से मोदी सरकार है। हाँ, एक और बात जो मोदी जी ने वादा किया था कि जैसे ही हेलीकॉप्टर का नाचना बंद होगा वैसे ही जो है उठा लिए जाओगे, तो समझ ही रहे हम किसकी बात कर रहे हैं, अब बात समझ ही रहे हो। लेकिन ये मुखिया बीपिन यादव अब का होई रौरा सरकार के हाय कि सुनाए बीपिन यादव अरे अब का होई रौरा सरकार के। देखिए मुखिया जी आप सम्माननीय हैं, माननीय हैं, आपका इज्जत हम भी करते हैं, लेकिन बस ये थोड़ा सा जो है तंज कसे हैं हम लोगों ने, क्योंकि जो सरकार फिर से बनने जा रही है एनडीए की और आप लोग जो है जिस तरीके से एनडीए का विरोध कर रहे थे तो एक तरीके का इसे तंज समझिएगा, कोई इसका इसको बेइज्जती के रूप में नहीं लीजिएगा। बाकी जनता से भी ये उम्मीद है, इसको एक एंटरटेनमेंट वे में देखिएगा, किसी को हेट नहीं फैलाइएगा। बस इस वीडियो के लिए इतना ही है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने राय विचार दीजिएगा। एनडीए सरकार बनने पर मोदी जी को बधाई अगर आप लोग देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बधाई दीजिएगा। फिर से एक बार तीसरी बार मोदी सरकार। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, मेरे साथ राम कुमार। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बिहार, जय हिंद, जय हिंद।